गैर कानूनी गैस रिफिलिंग की दुकान हो या फिर गैर कानूनी पेट्रोल बेचने वालों की, आज न्यूज़ हमेशा सवाल उठाता आया है। अब शामिल करेंगे खबरें सियासी मंजरनामे से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आला हाउस में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा, वो सर कटवा देंगे, झुकाएंगे नहीं, आज़ादी पर समझौते से बेहतर है मर जाएं, मेरी सोच और नज़रिए को कोई कैद नहीं कर सकता। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता। जो मेरा नजरिया है उसके ऊपर मैं बात धीमे करूं या मैं बात सख्त करूं, मैं वो बात करूंगा, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा ज़रूर, मैं अपनी आज़ादी के ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जिस दिन हम सब ने बहसियत कौमी फैसला कर लिया तो न कोई हमारा सर झुका सकता है, न कोई हमारा सर काट सकता है, न कोई हमारे ऊपर गैर आइनी इकदाम मुसलत कर सकता है और न ही कोई हमारी सोच को दफना सकता है।